क्या मिड डे मील बना रहे हैं? बच्चे कहाँ से होंगे जब पढ़ाई नहीं गंदगी में कैसे नीचे बैठ गए बच्चे एक ही कमरा है पांचवी क्लास तक के कमरे ऐसे तो प्राइमरी स्कूल है दो टीचर ही हैं बस आंदे नहीं क्यों नहीं आंदे बच्चे थोड़ी की लग रही टीचर नहीं है टीचर आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हो प्राइवेट में नहीं मजबूर मजबूरी मजबूर होके पढ़ाना पै रहा अपनी फाइनेंशियल हालत मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पंजाब के स्कूलों में बड़ी क्रांति हुई है पंजाब का शिक्षा मॉडल देश में नंबर वन है तो मैंने सोचा कि भाई हम ही देख लेते हैं मैंने उनसे कहा था कि अपने 250 स्कूलों की लिस्ट दे दो और अपने हमारे की ले लो उन्होंने कहा था 250 स्कूलों की लिस्ट दो तो हमने तो दे दी जी तो मैं मुख्यमंत्री जी के हल्के में स्कूल देखने आया था मुझे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पे तो उन्होंने अपने अपने हल्के में तो स्कूल बहुत अच्छे कर रखे होंगे और यहाँ देख के लगा कि टीचर्स का टॉयलेट देखो सब सड़े हुए हैं बच्चों के टॉयलेट सड़े हुए हैं बदबू आ रही है
मिड डे मील का कमरा जिसमें मिड डे मील बनना चाहिए था वो मिड डे मील के लिए बनाया गया होगा, उसमें बंद पड़ा हुआ है। अभी देखा आपने स्टोर बने हुए हैं, टीचर नहीं है, एक ही टीचर है, एक टीचर है जी, और बस ऐसे चल रहा है। तो ये पंजाब के बच्चे जो है ना, चन्नी साहब कह तो सकते हैं कि जी स्कूल नंबर वन है, लेकिन अगर ऐसे नंबर वन स्कूल हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही अन्याय हो रहा है पंजाब के बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ में जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाना चाहते हैं। उन्हें तो तर्क है शिवमणि जी कि पंजाब बड़ा है, इतने स्कूल ज्यादा ने, दिल्ली स्कूल घट ने, इस तर्क का की जवाब है जी? पंजाब की सरकार लोग इसीलिए तो चुनते हैं कि ज्यादा स्कूल ठीक कर लें, अगर उनसे ज्यादा स्कूल ठीक नहीं होते तो रिजाइन कर दें। क्योंकि पंजाब में तो जो भी सरकार बनेगी वो यही सोच के बनेगी कि भाई मैं ज्यादा स्कूल ठीक करूंगा। अगर उनको लगता है कि उनकी हैसियत के बाहर है ज्यादा स्कूल ठीक करना, तो उनको ऐसी सरकार में आना नहीं चाहिए, उनको ऐसी जगह जाना चाहिए जहां वो ठीक कर सके। मुझे जी ब्लूप्रिंट की है फिर सिक्ख्या का पद्धर उच्चा चुकने लिए आम आदमी पार्टी को, जैसे दिल्ली में किया था। अब ये 2013 में दिल्ली के स्कूलों की हालत होती थी, स्टोर बने रहते थे, जाले लगे हुए हैं कमरों में, ऊपर से चू रही हैं छतें, पानी पकड़ा है। तो 2013 में जब हम आए थे 14 में, तो दिल्ली के स्कूलों की यही हालत होती थी। तो 4-5 साल मेहनत करके खूब दिल्ली के स्कूल चमकाए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो पंजाब के बच्चों के लिए भी, पंजाब के स्कूलों के लिए।